नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं 17 मई 2018 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। ये हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन होता है और आज ये थोड़ा सा स्पेशल रहने वाला है, क्योंकि इसमें मैं बात करने वाला हूँ स्वच्छता सर्वेक्षण 2018 के नतीजों के बारे में। ये अनाउंस कर दिए गए सारे नतीजे, इसके बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाने की सोची थी, बट ये प्लान हमने स्किप कर दिया है क्योंकि हमारे बहुत से वीडियो यूट्यूब से नोटिफाई ही नहीं होते हैं, आप तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखना। इसमें मैंने बात की है स्वच्छता सर्वेक्षण 2018 के बारे में पूरी डिटेल में। तो सबसे पहले बात करेंगे हमेशा की तरह क्वेश्चंस ऑफ द डे की। ये कल पूछे गए क्वेश्चंस है, इसका आंसर देख लेते हैं। कमेंट्स में दोस्तों आप लोग आंसर कर देते हैं, मेरा काम आसान कर देते हैं। और मेरा काम इस बार आसान किया श्याम बिहारी सिंह ने, मिस्टर श्याम बिहारी सिंह ने यहाँ पर आंसर दे दिया है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था मेरे द्वारा कल के सेशन में कि व्यास सम्मान 2017 का किसे मिला था। यहाँ पर इन्होंने आंसर दे दिया कि ये 27वां व्यास सम्मान था, ममता कालिया को मिला, उनकी किस किताब के लिए, दुखम सुखम के लिए। साहित्य में इस बार नोबल पुरस्कार नहीं दिया जाना, इस बात को ध्यान में रखें। मेरा तीसरा क्वेश्चन था नेशनल फिल्म अवार्ड्स, जो कि 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार थे, उसमें बेस्ट फीचर फिल्म कौन सी रही थी, ये हमें बताना था। और इसका आंसर इन्होंने दिया है कि विलेज रॉकस्टार्स ये फिल्म थी, और ये अवार्ड 1954 से दिए जा रहे हैं और ये 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार थे, तो थैंक्स टू हिम। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स आज के क्वेश्चंस की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि आईसीसी ने हाल ही में लगातार दूसरी बार निर्विरोध चयन किया है इनके इंडिपेंडेंट चेयरमैन का, वो कौन बने हैं। यहाँ पर जो चेयरमैन पहले से थे वही बन गए हैं, शशांक मनोहर थे ऑप्शन नंबर ए, और यही दोबारा बन गए हैं, अपने टेन्योर को इन्होंने बढ़ाया है। अगर आईसीसी के दूसरे अधिकारियों के बारे में बात कर लें तो आज की डेट तक सीईओ हैं इस समय डेविड रिचर्डसन, चेयरमैन है शशांक मनोहर, प्रेसिडेंट है जहीर अब्बास, इनका नाम सुना होगा आप लोगों ने, ये पूर्व क्रिकेटर हैं पाकिस्तान के। हेडक्वार्टर है इस समय, बदलता रहता है हेडक्वार्टर, तो हमें पता होना चाहिए कि इस समय आईसीसी का हेडक्वार्टर है दुबई यूएई में। दूसरे क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये फैक्ट काफ़ी दिन से मैं नहीं इंक्लूड कर पा रहा था, मेरे दिमाग से उतर जा रहा था कि बिम्स्टेक 2018 की मेज़बानी कौन सा देश करने वाला है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा, नेपाल करने वाला है बिम्स्टेक 2018 की मीटिंग की मेज़बानी। बिम्स्टेक के बारे में अगर जाने तो सबसे पहले फुल फॉर्म जानना ज़रूरी है। फुल फॉर्म क्या होगा, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, तो ये हो गया बिम्स्टेक का फुल फॉर्म। मेंबर कंट्रीज़ कौन कौन सी है इसको देखेंगे। मेंबर कंट्रीज है दोस्तों इस समय बांग्लादेश मेंबर है, भूटान मेंबर है, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसमें या तो साउथ एशियन कंट्रीज़ मेंबर हैं या तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ मेंबर हैं, यही सब कंट्रीज़ बिम्स्टेक की मेंबर होती हैं। चेयरमैनशिप है दोस्तों नेपाल के पास, यानी 2014 से ये चेयरमैनशिप है इसके पास। और कब स्टैब्लिश हुआ था ये, इसका गठन हुआ था 20 साल पहले 6 जून 1997 में। इतने फैक्ट्स काफ़ी हैं बिम्स्टेक के बारे में, हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश के साथ नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के क्षेत्र में कार्य करने के लिए MOU साइन किया है। ये PIB में ऑफिशियली आ गया है तो मैंने इसको यहाँ पर ले लिया है, बल्कि ये न्यूज़ 1 से 2 दिन पहले की है। यहाँ पर पेरू के साथ साइन किया है भारत ने MOU, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा। पेरू है दोस्तों कंट्री साउथ अमेरिका में, और इसकी कैपिटल हो जाती है लीमा, और इसकी करेंसी है सोल। तो आपको किसी भी देश के बारे में करेंसी और कैपिटल का थोड़ा सा अंदाज़ा होना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता कभी भी कि आपको पूरे 190 कंट्रीज़ के करेंसी और कैपिटल पता हो, बट जहां जहां पर फैक्ट आते हैं वहां पर अगर आप लोग देखते हुए चलेंगे तो काफ़ी दिन तक ध्यान रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों हमारा कि विमानन कंपनी जिसका नाम है जेट एयरवेज, इसने किस योजना के तहत सिर्फ 967 रुपये में शुरुआती किराए की पेशकश की है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, उड़ान योजना के तहत ये पेशकश की गई है। पहले देखते हैं उड़ान के बारे में, फिर ही समझेंगे कि आखिर ऐसा क्यों किया जेट एयरवेज ने, क्या इनका घाटा हो गया या मुनाफा। अगर उड़ान के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म से कई बार क्वेश्चन बने हैं SSC के एग्जाम में। फुल फॉर्म हो जाएगा दोस्तों उड़े देश का आम नागरिक, ये हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। और किस मंत्रालय की स्कीम है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय की, जिसको हम कह सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। कब लॉन्च की गई थी, अक्टूबर 2016 में। इसके तहत क्या होता है, इसका लक्ष्य रखा गया था कि बहुत ही न्यूनतम किराए में आम नागरिकों को हवाई यात्रा की सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। इसके तहत जो भी प्राइवेट कंपनीज आगे आएंगी
उनको जो भी घाटा होगा उसकी भरपाई करेगी सरकार, और न्यूनतम किराए पर हवाई यात्रा मिलेगी नागरिकों को। तो कुल मिलाकर इसमें क्या होगा कि 967 रुपये के अलावा जो भी घाटा होगा जेट एयरवेज का, वो उड़ान योजना के तहत इनको मिलेगा, इनका कोई भी घाटा नहीं होगा। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए और कुशल कार्यबल की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा कौन सी योजना आरंभ की गई है। इसको आप ध्यान रख लीजिए, इसमें ज़्यादा फैक्ट्स नहीं समझेंगे हम लोग, इसका नाम आप लोग ध्यान रखें। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही जाएगा, हरित कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किया गया है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2018 के बारे में अगर बात करें तो ये तीसरा ऐसा सर्वेक्षण था, इससे पहले हो चुका है 2016 में एक बार और 2017 में एक बार। 2016 में बहुत ही लिमिटेड लेवल पर हुआ था, केवल 73 ULBs को कंसीडर किया गया था, यानी शहरी स्थानीय निकायों को, और उसमें मैसूर को बताया गया था क्लीनेस्ट सिटी। 2017 का जो हुआ था वो भी ज़्यादा बड़े लेवल पर नहीं हुआ था, केवल 450 के करीब ULBs को कंसीडर किया गया था और उसमें इंदौर बना था क्लीनेस्ट सिटी। क्लीनेस्ट सिटी की अगर बात करें तो इस बार भी इंदौर ही है, बल्कि बहुत सारी कैटेगरीज में और भी अवार्ड दिए गए हैं, उन्हें अभी हम एक एक करके देखते हैं और इंपॉर्टेंट वाले मैं अभी हाईलाइट कर दूंगा आपको, जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं अभी आने वाले एग्जाम में। सबसे पहले तो कौन कंडक्ट करवाता है, यहाँ पर आपने देखा कि हरदीप पुरी ने घोषणा की थी आज और बधाई दी थी जिन शहरों को सर्वाधिक स्वच्छ शहर का खिताब मिला है, शीर्ष 3 शहरों को। तो किसके द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है ये सर्वेक्षण, कंडक्ट करवाया जाता है केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन वाले के अंतर्गत करवाया जाता है। यहाँ पर ग्रामीण वाले स्वच्छ भारत मिशन का कोई भी रोल नहीं है, इस बात को आप लोग ध्यान रखें। अगर इस बार वाले सर्वे की हम लोग बात करें तो ये काफ़ी बड़े लेवल पर कंडक्ट करवाया गया, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 4203 के करीब शहरी स्थानीय निकायों को कंसीडर किया गया और करीब 40 करोड़ के करीब शहरी नागरिकों को इसमें इन्वॉल्व किया गया। स्वच्छता ऐप भी इसमें डाउनलोड करवाए गए थे यहाँ पर, और 53,58,000 के करीब लोगों ने डाउनलोड किए और अपने रेटिंग्स रिव्यू दिए थे, फीडबैक दिया था 37,66,000 के करीब नागरिकों ने, और इस फीडबैक ने भी काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले किया ये तय करने में कि क्लीनेस्ट सिटी कौन रहेगा। अगर पैरामीटर्स की बात कर लें कि किन पैरामीटर्स पर ये सर्वे करवाया गया है, एक स्वतंत्र एजेंसी के द्वारा ये सर्वेक्षण करवाया गया, यहाँ पर नाम नहीं डिस्क्लोज किया गया है स्वतंत्र एजेंसी का, अगर नहीं डिस्क्लोज किया गया है तो हमें ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं होगी। इसमें 3 पैरामीटर्स बताए गए हैं कि जिन पर सर्वे करवाया गया है। लेवल ए है सेवा स्तर में हुई प्रगति, यानी कि किसी भी ULB में शहरी स्थानीय निकाय की सर्विस क्वालिटी में अगर ऑगमेंटेशन हुआ है तो उसे कंसीडर करेगी कंपनी। प्रत्यक्ष निरीक्षण यानी कि डायरेक्ट इंस्पेक्शन, जो भी देखा गया समझा गया आंखों देखा हाल, उसके अंतर्गत मार्क्स दिए गए और नागरिकों का फीडबैक, मैं आपको बताया कि स्वच्छता ऐप जो डाउनलोड करवाए गए थे उसमें जो भी नागरिकों ने अपने फीडबैक दिए उन्हें भी पार्ट सी के रूप में कंसीडर किया गया। अब आपको डिटेल में अगर जानना है तो आप इनकी वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहाँ पर क्लियरली दिया हुआ है, मैं थोड़ा सा आपको समझाने का यहाँ पर प्रयास करता हूँ। पार्ट वन था दोस्तों 1400 मार्क्स का, इसमें सर्विस लेवल प्रोग्रेस, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि पार्ट ए में सर्विस लेवल प्रोग्रेस यानी कि किसी भी शहरी स्थानीय निकाय की सर्विस क्वालिटी में क्या कमी हुई है या फिर जो भी ऑगमेंटेशन हुआ है, वो डेटा जो प्रोवाइड करेगी वहीं की म्यूनिसिपल बॉडी, उसको कंसीडर करते हुए एजेंसी 1400 मार्क्स देगी या फिर दे चुकी है कह सकते हैं। जो पार्ट टू है उसको 2 पार्ट में बांटा गया है, पार्ट टू ए में और पार्ट टू बी में। इसमें क्या होगा, जो डायरेक्ट इंस्पेक्शन होगा उसे कंसीडर करेंगे, अगर जरा भी कोई भी डिस्क्रिपेंसी मिलती है तो मार्क्स कट जाएंगे, उस हिसाब से ये काम करेगा। पार्ट थ्री जो मैंने आपको बताया ये 1400 मार्क्स का है, ये डायरेक्टली स्वच्छता ऐप से लिए गए फीडबैक को कंसीडर किया गया इसमें, और उसमें से 1400 मार्क्स दिए गए अलग अलग सिटीज़ को। और फाइनल स्कोर भी बना जो भी था पार्ट वन में, पार्ट टू ए में, पार्ट टू बी में, इन सभी को कंसीडर करके हर सिटी का एक फाइनल स्कोर बनाया गया और स्कोर के हिसाब से उनको एक लिस्ट बना दी गई, उसी में पता चलता है कि क्लीनेस्ट सिटी कौन है, वर्स्ट सिटी कौन है, ये सब इसी हिसाब से पता किया गया फाइनल स्कोर के माध्यम से। अब बिना समय गंवाए सीधे डेटा पर आते हैं कि कौन सा क्लीनेस्ट सिटी बताया गया इसमें, और भी अलग अलग कैटेगरीज में जो भी रेटिंग्स दी गई उन्हें देखते हैं, जिनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं आने वाले एग्जाम्स में से। डायरेक्टली मैं आपको PDF दिखाने वाला हूँ, ऑफिशियल PDF अपलोड की गई थी यहाँ पर मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर, उसमें यहाँ पर रैंकिंग्स दी गई हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है ऑफिशियल PDF में कि 52 अवार्ड्स दिए गए हैं अलग अलग कैटेगरीज में, सारे नहीं ध्यान में रखने होंगे,
जो इम्पोर्टेंट वाले हैं उन्हें ध्यान में रखेंगे और उसी से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे आने वाले एग्जाम्स में से। यहाँ पर सबसे पहले तो मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडियाज़ क्लीनेस्ट सिटी, यहाँ पर हिंदी में नहीं दिया हुआ है तो मैं हिंदी में बता भी नहीं रहा हूँ, आप लोग डायरेक्टली डेटा इंग्लिश में ही देखें। इंडियाज़ क्लीनेस्ट सिटी नंबर 1 पे इसका अवार्ड गया, या फिर कह सकते हैं रैंकिंग में रखा गया नंबर 1 पे इंदौर को, मध्य प्रदेश राज्य का शहर इंदौर को। ये 2017 में भी रहा था और एक और बार फिर से 2018 में भी रहा। इंडियाज़ क्लीनेस्ट सिटी नंबर 2 की रैंकिंग मिली भोपाल को, ये भी मध्य प्रदेश का। इंडियाज़ क्लीनेस्ट सिटी नंबर 3 चंडीगढ़। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट वाले, और भी एक दो देख लेते हैं जो आप ध्यान में रख सकते हैं। अगर नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 की बात कर लें तो ये नेशनल लेवल पर कंसीडर की गई थी ये सिटीज़, और ये कुछ सेपरेट अवार्ड्स रखे गए, जैसे इंडियाज़ क्लीनेस्ट बिग सिटी, जिन शहरों की जनसंख्या 10 लाख से ऊपर है उनमें विजयवाड़ा को मिला फर्स्ट रैंक इंडियाज़ क्लीनेस्ट सिटी में। इंडियाज़ फास्टेस्ट मूवर बिग सिटी, जिसकी जनसंख्या 10 लाख से ऊपर है उसमें गाज़ियाबाद को रखा गया उत्तर प्रदेश का शहर। इसी तरह से फीडबैक के माध्यम से, यानी कि इंडियाज़ बेस्ट सिटी इन सिटीजन्स फीडबैक, जिस शहर की जनसंख्या 10 लाख से ऊपर है उसकी कैटेगरी में रैंकिंग दी गई फर्स्ट कोटा राजस्थान शहर को। इसी तरह से 2-3 और इम्पॉर्टेंट आप लोग याद रख सकते हैं, जैसे इंडियाज़ बेस्ट सिटी इन इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस के मामले में नागपुर को रखा गया, इंडियाज़ बेस्ट सिटी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के मामले में नवी मुंबई को बताया गया, और इंडियाज़ क्लीनेस्ट मीडियम सिटी यानी कि जिस सिटी की जनसंख्या 10 लाख से 3 लाख के बीच है उसमें मैसूर को रखा गया। तो इन 10 के अलावा, इन 9 के अलावा मेरे हिसाब से कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, आपको पूरे 53 ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। अब आप लोग देख लीजिए क्वेश्चंस ऑफ द डे को, यहाँ पर आपको आंसर देना होता है कमेंट्स में। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि हर हाथ एक किताब, ये किस मंत्रालय की योजना है, आप लोग लिख करके बताइए जल्दी से कमेंट्स में। हु रोट द बुक नेम्ड द डायरी ऑफ द डोमेस्टिक डिवा, इसका आंसर दीजिए। द डायरी ऑफ द डोमेस्टिक डिवा ये किसने लिखी है, आपको लिख करके बताना है कॉमेंट्स में। और आपको आखिरी क्वेश्चन का आंसर देना है कि सौभाग्य योजना में नोडल एजेंसी किसे बनाया गया है। तो दोस्तों आज का हमारा सेशन यहीं पर ख़त्म होता है, वीडियो को लाइक करना मत भूलें। आपको इस सेशन के साथ साथ पूरी तरह से स्वच्छता सर्वेक्षण की एक शॉर्ट समरी मैंने दे दी है। सब्सक्राइब करें स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को, और हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकन को टैप करें और पाएं हमारे सभी वीडियोस बिल्कुल फ्री।